हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मानसी लूथरा। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं मसाला चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली है और बहुत ही यम्मी होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। उस बाउल में हम कटे हुए अपने चाप डालेंगे। ये बाज़ार की चाप है, पैकेट वाली। हमने इसको तीन हिस्सों में छोटा छोटा काट लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, तब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई करेंगे। तो अब इसके लिए मैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी के ले रही हूँ। घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। जैसे ही घी मेल्ट हो गया तो हम इसमें अपनी चाप डाल देंगे, जो हमने मसाला लगा के रखी थी। देखिए इस तरीके से। अब हम इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई ही किया है। हमारी चाप अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो हम इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, सभी चाप को आराम से हम निकाल लेंगे। तब हम एक कढ़ाई रख रहे हैं, उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हो या बटर भी डाल सकते हो। अब हम कुछ खड़े मसाले डाल रहे हैं, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इस पे टमाटर प्यूरी डाल रहे हैं। ये 2 से 3 बड़े टमाटर हैं, इसमें 2 हरी मिर्चें जो हमने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ताकि जो टमाटर है वो हमारे अच्छे से गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक डालने के बाद। ध्यान रखिए, नमक हमने अपनी चापों में भी डाला है, तो इसी हिसाब से डालिएगा। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। देखिए, 10 मिनट्स हो चुके हैं। इसे अच्छे से एक बार हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम देखते हैं, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तब इसमें हम जो हमने फ्राई करके चापे रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो मसाला है वो चाप पे अच्छे से लग जाए। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद हो तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालने के बाद इसको मैं 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी। देखिए, 5 मिनट्स हो चुके हैं, जो हमारी चाप है वो अच्छे से बन चुकी है। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। तो आइए सर्व कर लेते हैं। हमने एक बाउल में इसको सर्व कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए आइटम्स के साथ। बाय बाय।